ये रही जो बड़ी बड़ी काइट्स की बात कर रहे थे हम लोग, ये रही, ये 150 की, ये ऊपर ये शायद 70 की है। तो आज एक बहुत ही सुहाना दिन है, अब आप लोगों का दिन अच्छा ही जा रहा होगा, तो उसके साथ हम सोने पे सुहागा जैसे कहते हैं कि अच्छे दिन पे और अच्छी चीज़, क्योंकि आज गर्मियों में मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो ठंडे मौसम के साथ जम्मू में मैं आज जा रहा हूँ अपनी जो मेरा फेवरेट फेस्टिवल है जिसको हम कहते हैं रक्षाबंधन। बाहर का मुझे पता नहीं, पर जो हमारे जम्मू में है रक्षाबंधन के दिन हम लोग काइट्स उड़ाते हैं। काइट्स आप समझ गए होंगे, जो गुड्डी हमारे यहाँ पे गुड्डी बोलते हैं, काइट तो आपको पता ही होगा। तो हम रक्षाबंधन के दिन यहाँ पे काइट्स भी उड़ाते हैं। हाँ, रक्षाबंधन के दिन बहनों से रक्षा का वादा करके राखी बंधवा के वो सब होता है, उसके बाद हम लोग काइट्स उड़ाते हैं, पूरे दिन काइट्स उड़ाते हैं। तो उसकी काइट्स की शॉपिंग के लिए मैं जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक अच्छा सा व्लॉग बना दें काइट्स वाला। और अभी जो मेरा काइट फेस्टिवल है मैं उसको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि जो टाइमिंग होती है जम्मू में, शायद जो भी फेस्टिवल होता है वो बाहर जो ऑल ओवर इंडिया होता है उससे एक दिन पहले होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो रक्षाबंधन है वो 3rd को है, मुझे लग रहा है बाहर शायद 4th को है, तो हम 3rd को काइट उड़ाएंगे। और ये सच्ची बोल रहा हूँ, ये मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। जैसे मुझे ऑफ रोडिंग बहुत पसंद है, वैसे मुझे बचपन से काइट उड़ाना बहुत पसंद है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत रंग काला भी हो गया था, बहुत ज़्यादा काला हो गया था, पर अभी ठीक है, अब वापस नॉर्मल हो गया, क्योंकि पहले की तरह काइट नहीं उड़ाता मैं, क्योंकि पहले मैं काइट का बहुत ज़्यादा बड़ा दीवाना था। और आज आपको मैं सुंदर सुंदर सी अलग अलग तरह की काइट्स दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा जम्मू में काइट फेस्टिवल कितने धूमधाम से मनाया जाता है। पिछली बार भी मैं शायद व्लॉग करता था, पर मैंने उस टाइम व्लॉग नहीं किया, मुझे पता नहीं क्यों एग्जैक्टली नहीं किया, पर मुझे करना चाहिए था। और इस बार मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि जम्मू में काइट फेस्टिवल किस धूमधाम से मनाया जाता है, पूरा आसमान आपको काइट 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 ही दिखेंगी, और मुझे बहुत पसंद है। और स्पेशली जो बिग वाली काइट होती है ना, जो सबसे बड़ी वाली, उसका तो अलग ही मज़ा है। फॉर इंस्टेंस मुझे फ़ोन आया है, एक मिनट में फ़ोन चेक कर लेता हूँ, कौन कर रहा है फ़ोन हमको, हमारा भाई कर रहा है, वो पहुँच चुका है जहाँ पे हमें स्पॉट पे काइट्स लेनी है, तो मैं भी निकल चुका हूँ वैसे तो। अब हम कचिशनी जाएंगे क्योंकि पकड़ंगा गया था भाई, तो जहाँ पे होलसेल काइट्स मिलती हैं वो ख़त्म हो गई हैं, पर जल्दी ख़त्म हो गई हैं इस हिसाब से। तो और हमारे यहाँ पे एक्सपीरियंस होल्डर छोटी छोटी जगहों से बहुत अच्छे से बाइक निकालते हैं। अंकल जी थोड़ा सा साइड दीजिए, ये आंटी रास्ते के बीच में चल रही हैं। अब वैसे थोड़े दिन रह गए हैं, 27 या 28 है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैंने फ़ोन देखा नहीं, तो 3 को तो रक्षाबंधन है, तो उस दिन आपको जैसे अभी दिख रहा है ना, उस दिन तो ये पूरा आसमान, मतलब लगभग, क्योंकि पहले तो बहुत काइट उड़ती थी, जब हम हमारे बचपन की बात करता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा काइट उड़ती थी, तब तो पूरा आसमान लगभग पता लग जाता था ऐसे एक बार कैमरा ऊपर करो तो कि इतनी काइट्स उड़ रही हैं। अब थोड़ा, अब आपको पता ही है ऐसे भी वेस्टर्न लोगों को वेस्टर्न होने के चक्कर में अपनी ऐसे भी संस्कृति सारी भूल चुके हैं, तो हम नहीं चाहते ऐसा हो। तो मेरा भांजा है जो भाई छोटा है वो तो अभी, पर वो भी बहुत ज़्यादा शौकीन है, उसको भी काइट्स बहुत पसंद है, उड़ाने नहीं आती अभी उसको, मगर पर बहुत पसंद है उसको। तो चलो चरखड़ी मेरी फेवरेट थी क्योंकि पिन्ना बहुत बड़ा होता है, उसको लपेटने में बहुत मुश्किल आती है, चरखड़ी बहुत आराम से, क्योंकि उसको ऐसे ऐसे घुमाओगे आप, क्योंकि उसके साइड पे हैंडल्स दिए होते हैं घूमने के लिए, वो बहुत आराम से हो जाती है। और भाई का फ़ोन आ रहा है पर अभी हम नहीं उठा पाएंगे कि बस हम मंजिल के थोड़ा ही करीब पहुँच ही चुके हैं लगभग लगभग। देख मेरे भैया, यार अंकल जी, यार बिना इंडिकेटर के यार कैसे ड्राइविंग करते हैं लोग, यार एक हाथ से फोन चला रहा है एक हाथ से स्वैग, लोगों का स्वैग नहीं खत्म होता भाई, लोगों का स्वैग नहीं खत्म होता, एक यहाँ से आया कट मार के एक यहाँ से जा रहा है अपनी मर्जी से मोड़े बिना, भाई कुछ भी हो रहा। तो बैटरी हो गई थी इसकी डेड कैमरा की, तो बाय चांस थोड़ी जो बची हुई थी उस वजह से थोड़ा बहुत व्लॉग कंप्लीट हो गया।
नहीं तो व्लॉग रह जाता और मैं बातें करता रहता, क्योंकि मैंने बातें तो अभी ये है जो छोटी छोटी गली है ना, जहाँ से हमें काइट लानी पड़ती है शाम को, तो अभी ये थोड़ी बहुत भरी हुई होंगी और हमें काइट लेने के लिए यहाँ पे ही जाना है। ओहो, लोगों ने तो कार भी पार्क की है यहाँ। तो ये हो गई शुरुआत काइट्स की, जैसे कि आपको दिख रही होगी, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि काइट्स भाई हमारा फ़ोन कर रहा है और यहाँ पे देखो काइट्स की कैसे लाइन लगी हुई है। और यहाँ पे रोड टूटा हुआ है और हमारा भाई मिल गया हुआ है, ये सामने खड़ा है। पहली लोहे से बनी हुई काइट, इसका नाम है काली हाटी हत्ती ऐसे कुछ। तो इसके ऊपर रही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली चरखड़ी, अभी तक की सबसे बड़ी चरखड़ी यही देखी है मैंने। हाँ, तो अब हुई लाइटनिंग परफेक्ट, तो अब दिखने लगी काइट सारी। तो ये सारे ढेर लगे हुए हैं, काइट्स ही काइट्स हैं। दर्जन मीन्स 12। हाँ, ये वाला डिजाइन, ये भूतदार, हमारा फेवरेट भूतदार। पर इसको ये गुड्डा नहीं ना, गुड्डी है। ये गुड्डी है जिसकी पूंछ नीचे से वो थोड़ी क्या बोलते हैं उसको, खिली हुई होगी, उसको गुड्डी कहते हैं। गुड्डा हो गया, गुड्डा कहाँ है, चांद का सेट गुड्डा। गुड्डा हाँ, गुड्डा ये जो नीला वाला ना, जिसके नीचे से ऐसे ब्रॉड वाला ये पंख होते हैं, उसको गुड्डा कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ये क्या बोलते हैं, डीए वाला, डीए का ये ना, दिया लग गया खालो सी दिखना, ये क्या वो आंखें, ये दिया वाला गुड्डा होता है, इसको दिया वाला बोलते हैं। बे मोदी जी का भी गुड्डा है नहीं कोई, कोरोना का कोरोना देखी तो थी मैंने ऐड में, आया था कोरोना का गुड्डा है। बे डिजाइन दे सीड़ो सारे वीडियो च, ये डिजाइन है भैया के पास, भैया ये वाला डालना यार, ये इनमें से कोई काम कर देना, ये वाला डालो, आगे करो, वापिस करो, नहीं नहीं ये वापिस आगे करो, हाँ ये वाला, एक ये वाले डालो, एक इसके पीछे वाला, एक उसके पीछे वाला भी। ये चार का भी है सेट, सारे चार चार के हैं, प्लेन चाहिए बटन, ये नहीं इसमें रेड कलर है, ऑरेंज येलो, एक रेड डाल दो, ये वाला डाल दो, अगर साफ है सारे तो नहीं, गुड्डी साफ तो रेड डालो, रेड डाल दो, देख लेना रमेश चाटा हो उसके पास है बिल्कुल, ये गुड़गली शॉप, तो आप मेरा बाइक चलाएगा, आ जाओ जाओ, काइट से बातें आपको बातें करी जो हमने खरीदी है। तो ये रही ये आई लव माई इंडिया, अभी भी ये दिखाते जाएंगे जो जो हमने लिए हैं, थोड़ा सा आपको डिटेल में देते हैं। हमारा फेवरेट फेस्टिवल है बचपन से ही, हमारा बचपन से फेवरेट फेस्टिवल है ये। दिवाली वगैरह मुझे इतनी पसंद नहीं है, काइट फेस्टिवल बहुत पसंद है। ये आगे प्लेन गुड्डा, ये हमारा प्लेन वाला गुड्डा, इसको बोलते हैं गुड्डा, जिसके नीचे से ये होता है इसको गुड्डा बोलते हैं। ये अलग अलग डिजाइन वाली ये होगी गुड्डी, ये हमने इसलिए लिया, ये हमारा आई लव माई इंडिया, दैट्स वाई वी हैव टेकन दिस काइट, आई लव माई इंडिया। और ये भी सेम गुड्डा, ये अलग डिज़ाइन है, ये वाला ये भी, ये मधे ही है, ये दर्जन डाले हुए, अच्छा ठीक है, भैया ने दर्जन डाले, ये चांद वाला, ये चांद वाला बहुत पसंद, ये भूत वाला आ गया, भूत वाला आ गया, ये पीपल का आ गया, सारा बटर पेपर है क्या, बटर पेपर नहीं बड़ी पेपर है, तो ये छोटी आउटी होगी हमारा भी, हवा तेज चली तो फिर निकली होती नहीं है, तो मतलब कि हिंदी में मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हवा बहुत ज़्यादा तेज चले तो ये छोटी काइट सी उठती हैं, बड़ी वाली क्योंकि पाशे लग जाते हैं हाथ में, जिसको बोलते हैं कट्स लगते हैं बहुत खतरनाक वाले। और इनमें से ये दिए वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सारे अलग अलग आए, ये आ गया आंख वाला पिंकी दीपू, ये वाला कौन सा होगा, ये गोले गोले आ गए, चार गोले चार हंडे, ये दिल भाई, ये तो
लाल कलर का होता था किसी के घर में फेंक के। ये मच्छी है, ये वही सेम सारे स्टार वाले बीच में आ गया ना, अलग अलग घरों में चार चार के ये आ गया ना, स्टार आ गया। हाँ जी, ये दिल वाला आ गया। तो बाइक आपको सारी दिखा दी, तो भैया बात करो अब। अब हमें रेट भी बनवा लेते हैं जितनी हमने काइट ली है उसका क्या हिसाब पड़ता है। भैया के पास जाओगे हमारा नाम लेना, तुम्हारे चैनल का नाम लीजिए आप जाके, तो कुछ ना कुछ तो भैया करेंगे ही, ज़्यादा कर देंगे या कम कर देंगे। तो फाइनली हमने एक ही शॉप से जितनी भी काइट्स लेनी थी हमने ले ली है, भैया के पास बहुत सारी काइट्स थी। तो अगर आप आओ तो आप भी ज़रूर आना, हमारा नाम लोगे चैनल का तो आपको भैया कुछ ना कुछ डिस्काउंट कर देंगे। अच्छे पेपर की काइट्स हैं भैया के पास, जैसे कि आपको दिख रही होंगी, ये ऊपर भी सारा काइट से भरा हुआ है, ये सारी काइट्स हैं, ये देखो दूर तक काइट्स, तो काफ़ी काइट्स हैं भैया के पास। तो अभी आपको भैया से पूछवा देते हैं कि कोरोना के टाइम में कुछ कमी आई या नहीं आई। तो मास्क हमने थोड़ी देर के लिए नीचे किया, अब वापस डाल लेते हैं, अब भैया से बात करते हैं, चलो। तो अभी आप भैया से बात करेंगे, तो भैया का नाम क्या, भैया नाम बता दीजिए। सौरभ मोत्रा। सौरभ, तो ये भैया शॉप कहाँ पे आपकी? पक्काडंगा में। पक्काडंगा में, तो लोकेशन बता दो एग्जैक्ट अगर किसी ने आना। महालक्ष्मी मंदिर है जो महालक्ष्मी के पास सबसे पुरानी दुकान है जगदीश गुड्डी वाले की। अच्छा, जगजीत गुड्डी वाले की। आपको 5% डिस्काउंट कर देंगे, बिल्कुल जो आपको टोटल बिल बनाएंगे। तो अभी हमने कर लिया है भैया से बात, तो भैया की शॉप आपको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको भैया का नंबर भी दे दूंगा और शॉप की जो एग्जैक्ट एड्रेस है मैं आपको वो दे दूंगा। तो इसके बाद शुरू होता है सही संघर्ष, जब ये बचाव करके, क्योंकि सिटी में ऐसे बचाव करके काइट्स लेके जाना पड़ता है, तो यहाँ पे शुरू होती है असली जंग, क्योंकि लेना तो बहुत आसान है। हमने पिछली बार भी जब हम आए थे तो हमने जो बड़ी वाली काइट्स थी हमने एक लगभग पूरी फाड़ ही दी थी, वो खाली 200 रुपीज़ की एक काइट थी, तो बहुत बुरा लगा हमको। और ये रही और शॉप्स जैसे कि आपको दिख रही हैं, आपको अभी आगे भी दिखाते हैं सारी जगह काइट्स ही काइट्स दिखेंगी। तो एक मिनट की ब्रेक। ये रही वो बड़ी बड़ी काइट्स की बात कर रहे थे हम लोग, ये रही ये 150 की, ये ऊपर ये शायद 70 की है, एग्जैक्ट डेट नहीं पता, अभी भैया आएंगे उनसे पूछ लूंगा मैं आपको। ये रही बड़ी बड़ी काइट्स, माय फेवरेट। और ये रहे हमारे बड़े भैया जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है काइट उड़ाना। एक कोरोना में मास्क नहीं उतार रहे हैं तो रिस्क भी है वैसे, तो ये बाहर भी निकली हुई है काइट्स, तो वैसे कुछ नहीं निकाली। तो फाइनली हमने बाहर तक काइट ले आई है सही सलामत, पिछली बार तो हमने काइट फाड़ दी थी आधी से ज़्यादा, इस बार अब लास्ट पार्किंग के पास पहुंच गए हम। ये रही GDA पार्किंग, तो अब अपनी कार के पास जा रहे हैं हम लोग, तो उसमें सामान डालने के बाद फिर आपको फिर से रोड पे मिलते हैं। तो व्लॉग लग रहा है कि लंबा हो ही जाएगा, पर कोई बात नहीं, काइट वाला व्लॉग है, मेरा फेवरेट व्लॉग है, लंबा भी चलेगा। है जैसे हम आधी रात को लॉकडाउन के बाद जो टाइम ख़त्म होता है उसके बाद हम लोग ये जो काइट्स लेके आ रहे हैं, क्योंकि दिन के टाइम इनको ला नहीं सकते। और भी आपको कैमरा में भी दिखा पा रहा हूँ कि कितनी बड़ी है, ये देखो पूरा एंगल दिखने के बाद भी इतना नहीं दिख रहा, आगे जाके बताता हूँ, अभी लाइट में थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो आगे जाके आपको बताता हूँ कि पूरी बाइक को सिर्फ 5-6 की स्पीड में चलाना पड़ रहा है, क्योंकि ये अभी दूर तक लेके जाने हैं। चलो आपको बताता हूँ, जब उतरेंगे बताऊँगा कितनी बड़ी काइट्स लेके आए हैं हम लोग बाइक पे। कागज़ तेरे। तो आखिरकार हमने ये रहे जो बड़ी वाली काइट्स, बाइक को 5 की स्पीड में, 5-8 लास्ट 10 की स्पीड में, आशाबाश, हम इसको रात को ले आए। तो आखिरकार हमने रात का टाइम थोड़ा 9:00 कुछ मिनट हुए हैं, तब भी रास्ते में काफ़ी गाड़ियाँ थी, हम ले ही आए आखिरकार सही सलामत काइट्स हमारी। तो थोड़ा अंधेरे में है, थोड़ा संभाल लेना, अब मुड़ना पीछे की तरफ, अब आ रोशनी में आया ना मोड़। ये रही ये हमारा चक, ये देखिए अब दिख रहा साइज इसका पूरा। ओके, तो इसी के साथ आपको सुहानी से गुड नाइट, और ये निकले हैं चांद सुंदर से, तो बाय बाय।